अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शाहीन, हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। कौन हो तुम? फिर हमें किस बात का डर? हेलो एंड वेलकम टू बॉली क्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, फिल्मी सितारे पर्दे पर अलग अलग तरह के किरदार निभाते हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टर निभाते हैं, जिन्हें इनके चाहने वाले कभी खूब सराहते हैं तो कभी आलोचना भी करते हैं। मगर यही तो फिल्मी सितारों के काम की खूबसूरती है, अपनी एक्टिंग के जरिए किसी भी किरदार को जीना और दर्शकों को उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देना। यही बात इन सितारों को आम लोगों से खास और अलग बनाती है। हाल ही में सुपरस्टार आमिर खान अपनी मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर दर्शकों के बीच पहुंचे। इस फिल्म में उनके किरदार को डम दिखाया गया है, मगर ऐसा पहली बार नहीं है। इनसे पहले भी कई ऐसे एक्टर्स हैं, कई ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने इस तरह का कैरेक्टर ऑलरेडी प्ले किया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आमिर खान से ही। सुपरस्टार आमिर खान अपनी हालिया रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा में एक ऐसा किरदार निभाते दिखे जिसका आईक्यू लेवल काफी कम है, बावजूद इसके वो अपनी जिंदगी में कई बड़ी उपलब्धियों को हासिल करता है। नंबर टू पे है सलमान खान। सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी फिल्म ट्यूबलाइट में कुछ ऐसा ही हाल किया था, कुछ ऐसा ही कैरेक्टर प्ले किया था जिसे देख उनके फैंस बुरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। नतीजा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। नंबर थ्री है शाहरुख खान। जी हां, सुपरस्टार शाहरुख खान और साथ में उनकी थी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। फिल्म का नाम था रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म में शाहरुख खान ने भी एक ऐसा ही किरदार प्ले किया था, मतलब उनका किरदार इतना शरीफ था कि वो बिल्कुल डम नजर आए और लोगों को ये फिल्म इसी वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब अगले स्टार हैं ऋतिक रोशन। सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म कोई मिल गया में ऐसा ही कैरेक्टर प्ले किया था जो बिल्कुल डम था, लेकिन सुपरस्टार ऋतिक रोशन के इस किरदार को खूब तारीफें मिली थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट साबित हुई। नंबर फाइव पे है प्रियंका चोपड़ा। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी सुपरहिट फिल्म बर्फी में एक ऐसा ही कैरेक्टर प्ले किया था। एक्ट्रेस के फिल्म के इस किरदार पर तो काफी मीम भी बने। फिल्म में एक्ट्रेस के काम को बहुत तारीफ मिली और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। नंबर सिक्स है श्रीदेवी। श्रीदेवी सुपरस्टार कमल हसन स्टारर फिल्म सदमा में एक ऐसी लड़के का किरदार प्ले करती नजर आई जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है, जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची की तरह रिएक्ट करने लगती है। इस किरदार में एक्ट्रेस को देख फैंस काफी हैरान रह गए थे। श्रीदेवी के इस फिल्म के लिए उन्हें बहुत तारीफें मिली थी और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कलेक्शन की थी। मतलब अगर तीन खान की फिल्में निकाल दी जाए, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तो बाकी बचे जितने भी एक्टर्स ने डम कैरेक्टर प्ले किया उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाकी के तीन खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डूब गई। वेल, इन डम कैरेक्टर्स में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।